दोस्तों साल 2020 की शुरुआत में कई बड़ी फिल्मों की घोषणा हुई, लेकिन कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन से फिल्मों की शूटिंग शुरू नहीं हो पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि कई फिल्में डिब्बा बंद हो गईं, तो कई फिल्मों की तो स्टार कास्ट ही बदल गई। इस वीडियो में हम आपको 2020 में अनाउंस की गई एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी शूटिंग तो 2020 में ही टाल दी गई थी, लेकिन उसका कारण अब 2021 में आकर पता चल रहा है। लेकिन अब ये फिल्म फिर से बन रही है। दोस्तों ये फिल्म थी वरुण धवन स्टार और मिस्टर लेले। 2000 के शुरुआती महीनों में वरुण धवन ने खुद इसका पोस्टर जारी कर फिल्म की अनाउंसमेंट की थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब इस फिल्म में वरुण धवन है ही नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जिस फिल्म का पोस्टर वरुण ने जारी किया था उसमें उन्हें किसने रिप्लेस कर लिया है। तो दोस्तों आप सभी के सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में ही देने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों धड़क फेम डायरेक्टर शशांक खेतान ने साल 2019 में ऐलान किया था कि वो मिस्टर लेले नाम से फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें वरुण धवन को लीड रोल में देखा जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म से वरुण का एक पोस्टर भी जारी किया था, जिसमें वो बहुत फनी अंदाज में हाथ में पिस्तौल थामे दिख रहे थे। हालांकि अब खबर आई है कि इस फिल्म में वरुण धवन की जगह विकी कौशल नजर आएंगे। पिछले साल मार्च में खबर आई थी कि वरुण को फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई और इसीलिए उन्होंने खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया। इसके बाद कहा जाने लगा था कि ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई है। दोस्तों उस समय फिल्म के डायरेक्टर शशांक खेतान ने सोशल मीडिया पर शूटिंग रोकने की बात भी कही थी और लिखा था, नमस्कार दोस्तों, मिस्टर लेले को लेकर मेरे पास एक जानकारी है। करण, वरुण और मैंने आपसी सहमति से इस फिल्म की शूटिंग को टालने का फैसला लिया है। ये बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट है, उम्मीद है हम जल्द ही इस पर काम शुरू करेंगे। फिल्म में कई बड़े कलाकार हैं और इसके चलते तारीखों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। फिल्म को शेड्यूल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन दोस्तों अब खबर आ रही है कि फिल्म पर दोबारा से काम शुरू किया जा रहा है और इस बार मेकर्स ने इसमें वरुण धवन की जगह विकी कौशल को लीड रोल में फाइनल कर लिया है। वहीं सबसे खास तो ये है कि इससे पहले विकी कौशल को किसी कॉमेडी फिल्म में नहीं देखा गया। ये पहला मौका होगा जब वो इस शैली में काम करते हुए देखेंगे। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या विकी इस बार भी दर्शकों पर अपना जादू चला पाने में कामयाब होंगे। फिल्म में विकी कौशल के अलावा जाह्नवी कपूर और भूमि पेडनेकर भी अहम किरदारों में नजर आ सकती हैं। हालांकि फिलहाल फिल्म में नई स्टार कास्ट को लेकर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों विकी कौशल की आगामी फिल्मों पर बात करें तो इस समय उनके पास कई बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं। पिछले कुछ समय से वो सुजीत सरकार के निर्देशन में बन रही फिल्म सरदार उधम सिंह को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। इसके बाद उन्हें मेघना गुलजार की सैम और उसके बाद आदित्य धर की द इमॉर्टल अश्वत्थामा में भी देखा जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।